राधे, आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस पोस्ट में जानेंगे जया एकादशी के जरूरी नियम। प्रत्येक मास में एकादशी तिथि में भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी का व्रत का पालन किया जाता है। माघ मास की शुक्ल पद की एकादशी तिथि के दिन जया एकादशी व्रत रखा जाता है। इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु की उपासना करने से सभी मनोकामना पूरी होती है और साधक को पिशाच योनि के भय से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, लेकिन इस एकादशी के दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए, जिनको करने से हमें व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है, व्रत निष्फल हो जाता है। साथ ही कुछ चीज़ों का सेवन करना बिल्कुल मना होता है और कुछ ऐसे शुभ कार्य हैं जिनको करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तो आइए जानते हैं जया एकादशी पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कौन से काम करने चाहिए। इस दिन भगवान केशों का विशिष्ट सुगंधित पदार्थों से पूजन करके आरती करनी चाहिए। साथ ही भगवान को भोग लगाएं, प्रसाद भक्त को स्वयं भी खाना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान देना चाहिए और पूरे दिन व्रत रखें। संभव हो तो रात्रि में भी व्रत रखकर जागरण करें। अगर रात्रि में व्रत संभव ना हो तो फलाहार कर सकते हैं। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उन्हें जनेऊ सुपारी देकर विदा करें, फिर भोजन करें। इस प्रकार नियम निष्ठा से व्रत रखने से व्यक्ति को पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है। और इसके साथ जया एकादशी व्रत वाले दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठें और पूरी श्रद्धा एवं विधि विधान से इस व्रत को करने का संकल्प करें। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान श्री विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है। ऐसे में जया एकादशी व्रत वाले दिन साधक को पीले रंग के वस्त्र को धारण करने के साथ ही पूजा में भी पीली चीज़ों जैसे पीले फल, पीले फूल, पीले वस्त्र, पीला चंदन आदि का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। और जया एकादशी के व्रत वाले दिन भगवान श्री विष्णु की कृपा पाने के लिए विशेष रूप से नारायण कवच और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और भगवान श्री विष्णु के मंत्र का जप अवश्य करें। साथ ही जया एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु जी के साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। और जया एकादशी व्रत वाले दिन न सिर्फ भगवान श्री विष्णु की पूजा जप तप का बल्कि दान का भी बहुत महत्व है। मान्यता है इस पावन तिथि पर जरूरतमंद को व्यक्ति को अन्न वस्त्र धन आदि का दान करने पर व्यक्ति पर भगवान श्री हरि की कृपा बरसती है। और इसके साथ ही इस दिन घर आए किसी भी साधु संत को खाली हाथ घर से ना लौटाएं। अन्न धनिया वस्त्र का दान करने से पुण्य के समान लाभ मिलता है। और एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की उपासना में तुलसी पत्र और पंचामृत का प्रयोग अवश्य करें। ये दोनों श्री हरि को सर्वाधिक प्रिय हैं, तो भगवान विष्णु को ये चीज़ें जरूर अर्पित करें। और जया एकादशी के दिन तुलसी तोड़ना मना है, लेकिन इस दिन तुलसी में जल अर्पित करें और तुलसी चालीसा का पाठ भी करें। इस दिन तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु के भोग में अवश्य रखें। और जया एकादशी के दिन व्रत रखें या ना रखें, लेकिन इस दिन दान अवश्य करें। जया एकादशी के दिन किया गया दान अच्छे लाभ पहुंचाता है, भगवान विष्णु की कृपा भी बनी रहती है। तो जया एकादशी के दिन ये शुभ काम जरूर करें। और अब जानते हैं जया एकादशी पर हमें कौन से काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। जया एकादशी व्रत का पुण्य फल पाने की कामना रखने वाले व्यक्ति को इस दिन भूलकर भी देर तक नहीं सोना चाहिए और न ही गंदे वस्त्र धारण करना चाहिए। साधक को जया एकादशी वाले दिन काले रंग के कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। इसके साथ ही जया एकादशी व्रत वाले दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा में सिर्फ और सिर्फ चंदन या तुलसी की माला का प्रयोग करना चाहिए। भूलकर भी भगवान
को न तो रुद्राक्ष या स्टिपिक आदि चढ़ाना चाहिए और न ही इससे बनी माला से जप करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें और जया एकादशी व्रत वाले दिन घर में आए किसी भी भिक्षा या फिर कहीं दान मांगने वाले व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। साधक को अपने सामर्थ्य के अनुसार उस जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ न कुछ जरूर दान करना चाहिए और जया एकादशी के दिन भूल कर भी न तो चावल और न ही तांत्रिक चीज़ें जैसे लहसुन प्याज मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए स्त्री प्रसंग से बचना चाहिए और जया एकादशी व्रत वाले साधक को तन मन और वचन से शुद्ध रहना चाहिए और भूल कर भी किसी को गलत शब्द ना तो कहना चाहिए और ना ही किसी के प्रति गलत विचार मन में लाना चाहिए। इसके साथ ही जया एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए और न ही किसी को कड़वी बातें कहना चाहिए और क्रोध करने से बचें। इसके साथ ही जया एकादशी व्रत रखने वालों या उनके परिजनों के लिए व्रत वाले दिन दाढ़ी बनाना नाखून काटना बाल काटना झाड़ू लगाना वर्जित होता है, तो ये काम ना तो स्वयं करें ना ही अपने परिवार के किसी सदस्य को ये काम करने दें। और जया एकादशी व्रत वाले दिन फूल पत्ते आदि का तोड़ना वर्जित है। पूजा के लिए फूल तुलसी का पत्ता आदि व्रत से एक दिन पूर्व तोड़ कर रख लें और जया एकादशी के दिन दान में मिला हुआ अन्न कभी नहीं खाना चाहिए। जया एकादशी को पुत्रदा एकादशी व्रत भी कहा जाता है। इस दौरान गलती से भी जुआ नहीं खेलना चाहिए, ऐसा करने से वंश का नाश होता है और इस दिन भगवान विष्णु का रात्रि जागरण करना चाहिए। रात में सोना कई मायनों में हानिकारक हो सकता है और जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए व्रत के दौरान खान पान और अपने व्यवहार में संयम के साथ सात्विकता भी बरतनी चाहिए। इस दिन क्रोध और झूठ बोलने से बचना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और शाम के समय सोना नहीं चाहिए। इसके साथ ही व्रती एकादशी से एक दिन पूर्व अर्थात दशमी तिथि की रात्रि को भोजन में मसूर की दाल का सेवन ना करें और जया एकादशी के व्रत के दिन चने या चने से बनी किसी भी खाद्य सामग्री का सेवन ना करें। व्रत करने वाली स्त्री इस दिन सिर से स्नान ना करें अर्थात केश न धोए और एकादशी का उपवास रखने वालों को दशमी के दिन मांस लहसुन प्याज मसूर की दाल आदि का निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए और प्रत्येक वस्तु का सेवन भगवान विष्णु को भोग लगाकर करें और लेकिन तुलसी दल का सेवन ना करें। इसके साथ ही जया एकादशी में इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं खाना है। भोजन में अन्न का सेवन ना करें, नमक का सेवन ना करें और चाय ना पिएं। इसके साथ ही इस दिन ना तो चने और ना ही चने के आटे से बनी चीज़ें खानी चाहिए और इस दिन शहद खाने से भी बचना चाहिए। इस दिन पान ना खाएं क्योंकि भगवान विष्णु को मीठा पान अर्पित किया जाता है, इसलिए एकादशी के दिन पान का सेवन वर्जित होता है। और जया एकादशी के दिन व्यक्ति को चावल पान बैंगन गोभी जौ या पालक आदि का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से दोष उत्पन्न होने का भय बढ़ जाता है। और एकादशी तिथि के दिन तांत्रिक भोजन का सेवन वर्जित है, ऐसा करना नुकसानदायक हो सकता है। इस दिन मदिरा मांस प्याज या लहसुन का सेवन ना करें, सात्विक आहार ही ग्रहण करें तो जया एकादशी के दिन इन सभी व्रत नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इस कामना के साथ आप इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं।
दोस्तों जया एकादशी की अन्य जानकारी पाने के लिए और आने वाले सभी व्रत त्यौहार से संबंधित जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइटम जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी व्रत त्यौहार की जानकारी सही समय पर प्राप्त हो सके। हम आपके लिए जो भी जानकारी लाते हैं वो सभी प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य की राय से लेकर आते हैं। आपसे अपनी एक प्रॉब्लम भी हम शेयर कर रहे हैं, उम्मीद है आप हमारा साथ देंगे। हम लीवर सोसिस सहित गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, इसे पोस्ट बनाने में दिक्कत होती है, सांस फूलने की वजह से आवाज़ क्लियर नहीं आती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग बनाए रखें। आप सभी का इसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानते हैं आवाज़ हमारी नहीं अच्छी लगती होगी, लेकिन फिर भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारा सपोर्ट कीजिए। आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।